हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूले हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? ये फॉर्मूले हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पर हमारा क्या होता है, इक्वल इंटरवल्स हमको किसी क्वेश्चंस में क्या होता है, गिवन होता है कि हमें क्या दे रखा है कि आपको इंटरवल आपका कैसा है, इक्वल है। जैसे मैंने कहा 1, 3, 5, तो मैंने देखा है इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि हमें दिख रहा है कि दोनों के बीच में कितना कितना का डिफरेंस है, यानी 2, 2 का। तो ये वही चीज़ क्या हुआ आपका, इक्वल इंटरवल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम अपनी बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस हमारे पास कैसे आते हैं इसके ऊपर और हमें उन्हें कैसे सॉल्व आउट करना है। देखिए, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेगा, एक्स की वैल्यू आपको कुछ गिवन है, वाई की वैल्यू आपके पास कुछ गिवन है, और उसने कहा कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 5 पर वैल्यू फाइंड करनी है। पर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3, यानी 0 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 7, 2 की वैल्यू 8, 3 की वैल्यू 15, और हमारे पास 5 नहीं है। यानी 5 कब आएगा, जब हमारे पास यहाँ पे लास्ट वाली टर्म होगी। तो जब लास्ट वाली टर्म के लिए हमें क्या करना होता है, वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाते हैं। अगर हमें यहाँ पे दे दिया जाए आपके पास 0.25, तो उसके लिए होती, देखिए तो 0.25 आपका कहाँ पे आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो यानी इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी शुरुआत में आ रहा है। तो शुरुआत के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे। यानी जो वैल्यू हमें शुरू में निकालनी है तो उसके लिए तो लगाएंगे हम फॉरवर्ड, और जो हमें बैकवर्ड निकालनी है, यानी वापस में निकालनी है, यानी पीछे की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलो अब करते हैं इसके लिए। चलिए, अब हमने जैसे पिछली वीडियो में बनाया था, ये टेबल हमने ऐसे पिछली टेबल में बनाई थी, इस बार भी हमने क्या करा, ऐसी टेबल यहाँ पे बनाई। एक्स की वैल्यू हमने ऐसे लिखी, वाई की वैल्यू हमने ऐसे लिखी। अब मुझे क्या निकालना है, इन सब का डिफरेंस निकालना है, यानी मुझे क्या निकालना है, इन सब का डिफरेंस। तो इन सब का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये वाला साइन बनाएंगे और ये वाला वाई। इस साइन का मतलब क्या है आपका, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो साइन है आपका ऐसा, ये क्या कहलाता है आपका, नेबला साइन कहलाता है। ठीक है, नेबला साइन, इस साइन का नाम क्या है आपका, नेबला साइन। तो मैंने कहा अब मुझे वाला निकालना है, यानी नेबला वाई निकालना है। तो नेबला वाई कैसे निकालेंगे, 7 में से 6 को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 1। अब 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, फिर से 1। 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका, 7। ऐसे ही अगला, नेबला स्क्वायर वाई, नेबला स्क्वायर वाई। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, अगेन 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6। अगेन नेबला क्यूब वाई, अब इसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ तो कितना आ गया मेरा, 6 आ गया। इतना समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब इतना करने के बाद, जैसे हमने करा था कि उस चीज़ को एक बॉक्स में भर कर लेंगे हम, तो इन चीज़ को हम क्या कर लेंगे, एक बॉक्स में या एक टेबल के अंदर हम ऐसे बंद कर लेंगे। इससे हमें पता चलता है कि हम क्या निकाल रहे हैं, आपका बैकवर्ड फॉर्मूला निकाल रहे हैं। फॉरवर्ड के लिए हम ऊपर से लेंगे और बैकवर्ड के लिए हम नीचे से यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। अब हम जानते हैं कि न्यूटन का जो बैकवर्ड फॉर्मूला है वो क्या है आपका, वाई पी बराबर वाई एन प्लस पी नेबला वाई एन प्लस पी मल्टीप्लाई पी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 नेबला का स्क्वायर वाई एन प्लस पी पी प्लस 1 पी प्लस 2 नेबला का क्यूब वाई एन अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एन सोन। ऐसे आगे तक आपका चलता रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाई एन है, तो हमारे पास यहाँ पे वाई एन ये हो गया, ठीक है। नेबला वाई एन है, नेबला वाई एन वाली टेबल ये हो गई, नेबला वाई स्क्वायर वाई एन है उसकी टेबल हमारे पास ये हो गई, नेबला क्यूब वाई एन है उसकी टेबल हमारे पास ये हो गई। अब हमारे पास किसकी वैल्यू बचती है, हमारे पास पी की वैल्यू बचती है। अब जैसे ही हमने कल आपकी न्यूटन बैकवर्ड में निकाली थी,
पी की वैल्यू तो ऐसे ही हम निकालेंगे, जैसे उसका फॉर्मूला क्या बताया था कल मैंने आपको, ए प्लस पी एच बराबर जो हमें दे रखा है, यानी हमें क्या दे रखा है 5, इसके बराबर हम इसको क्या रख देंगे यहाँ पे रख देंगे। अब ए क्या बताया था कल, ए क्या बताया था आपको, ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म अब कहाँ से देख रहे हैं हम, न्यूटन के बैकवर्ड फॉर्मूले से यानी पीछे से देख रहे हैं, तो पीछे से कौन सी हुई, ए का वैल्यू कौन सा हुआ आपका 3, एच का वैल्यू कितना हुआ आपका डिफरेंस, यानी सबका डिफरेंस कितना है 1, भाई 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो सबका डिफरेंस कितना आया 1, तो अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे पुटअप कर देंगे। तो रखते हैं ए की जगह 3 प्लस पी ऐसा का ऐसा, एच की वैल्यू 1 और ये 5 ऐसा का ऐसा, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, पी का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। अब ये पी का वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, अपने फॉर्मूले में रखते हैं, चलो रखते हैं, ये हो गया वाई पी, यानी अब इसमें रखते हैं वाई एन कितना है आपका 15 है, वाई एन आपका कितना है 15 है, प्लस पी कितना आया आपका 2 आया, मल्टीप्लाई नेबला वाई एन कितना है आपका 7, यानी जो आपकी इस ब्लॉक में यानी इस बॉक्स में जो बंद है वैल्यू, उन वैल्यू को आपको अब जब बाहर निकालना है, ठीक है आ गया, प्लस पी कितना है आपका 2 है, फिर मल्टीप्लाई में 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई नेबला स्क्वायर वाई एन कितना है आपके पास 6 है, प्लस पी कितना है अगेन 2, 2 प्लस 1 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई नेबला वाई क्यूब, नेबला क्यूब वाई एन कितना है आपके पास 6, ये यहाँ पे हो गया, और अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कितना था 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 3 2 6, इससे सारी वैल्यू आपकी क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई। अब ये वाली वैल्यू हम सॉल्व आउट करते हैं, 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2, ये हो गया 2 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 4 हो गया, अपॉन में 1 बचा था और वो सारी चीज़ कट गई थी, अभी कितना हो गया 15 प्लस 14 प्लस इससे इसे काटा तो कितना आ गया आपका टोटल 18 आ गया प्लस 24, इन सबको मैं क्या करता हूँ सम करता हूँ यानी प्लस करता हूँ, तो कितना आ गया मेरा 71 आ गया। तो जो मेरा वाई फाइव है वो कितना बैठ रहा है मेरा 71 बैठ रहा है। बच्चों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, अगर आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।